हेलो स्टूडेंट्स, इस छोटे से प्यारे से वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो अगर हम इसे निकालें तो X माइनस एक ऑक्सीजन का माइनस दो ऑक्सीडेशन नंबर, तो 5×10 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू +10। लेकिन दोस्त, आपको पता है कि क्रोमियम डी ब्लॉक के ग्रुप संख्या 6 का एलिमेंट है। इसका मतलब कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब इट नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो फिर क्या बात है भाई, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जब अगर 10 नहीं होगा, +10 नहीं होगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा इसको जानने के लिए। तो देखिए, क्रोमियम का स्ट्रक्चर जो होता है आप इस तरह से बनाते हो, और आप देख पा रहे हैं कि इस क्रोमियम में ये दो पेरोक्साइड लिंकेज है। यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज ये देखिए, तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस ऑक्सीजन का -1 होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 ही होगा, और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस। लेकिन ये तो पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, तो अगर ये पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। मान लीजिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना चाहते हैं X है, तो इस तरह से कितना हुआ, -2 और -2 कितना हुआ, X -6 इक्वल टू 0 और देयरफॉर X इक्वल टू +6। इसका मतलब कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। ये पेरोक्साइड बनाया है और इसी पेरोक्साइड के कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया यहां पर कितना हो गया, तो -2 न हो करके -1 हो गया है। धन्यवाद।